लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज़ प्लैनेट समाचार ग्रह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। केरल से यात्री लखनऊ आए और लखनऊ से लोगों को छत्तीसगढ़ भेजा गया। केरल से लखनऊ आई ट्रेन से उतरे यात्रियों ने बताया कि उनसे टिकट के पैसे लिए गए, जिसका इंतजाम करने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर राजधानी से मंगलवार को छत्तीसगढ़ के लिए रवाना की गई ट्रेन से भी किसी भी यात्री से पैसे नहीं लिए गए। इस ट्रेन में 1584 यात्रियों को चढ़ाया गया। ये सभी लोग पिछले एक महीने से लखनऊ में फंसे हुए थे। DCP पश्चिम सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने बताया कि इस बात का ध्यान रखा गया कि किसी भी यात्री से ट्रेन में चढ़ने का कोई भी पैसा ना लिया जाए। DM अभिषेक प्रकाश ने बताया कि इनके अलावा भी भारतीय राज्यों से जो लोग यहाँ फंसे थे उन्हें भिजवाने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी यात्रियों को खाने के लिए जूस के पैकेट भी दिए गए। इधर छलका केरल से आए यात्रियों का दर्द बोले सेठ की मदद से केरल से लखनऊ पहुंची हरदोई निवासी राम श्री ने बताया कि लॉकडाउन की शुरुआत से सेठ ने खाने का इंतजाम नहीं किया, उसके बाद इतने मजदूरों को खाना नहीं दे सकते थे। जहां सुनते थे कि खाना बट रहा है वहीं बच्चों को लेकर दौड़ जाते थे, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद बंद हो गया। किसी अधिकारी के पास जाओ तो वो कहता था खाना ख़त्म हो गया। इसके बाद सेठ से उधार लेकर टिकट खरीदा। समाचार ग्रह के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।